नमस्कार, सुमस किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम बना लेते हैं कटहल का सब्जी। तो यहाँ पर मैं पहले कटहल को काट लूँगी। तो पहले इसके काटने के लिए मैं हाथ में अच्छा से सरसों का तेल लगा रही हूँ और चाकू पर भी लगा लूँगी। इस कटहल में बहुत ज़्यादा लस्सा होता है, आप लोग क्या बोलते हैं लस्सों को मैं नहीं जानती हूँ। तो यहाँ पर इसमें देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा इसमें से लस्सा निकलता है। तो इसको मैं पहले एक थोड़ा सा सरसों का तेल हाथ में लगा के उसको काट के इसको ढक्कन से जो काट के इसको ढक्कन निकाली हूँ उसी से मैं इसका जो लस्सा है उसको मैं ऐसे लगा लूँगी और इसको साइड में रख दूँगी। और यहाँ पर मैं कटहल को बीच से ऐसे काट लूँगी। तो यहाँ पर देखिए इसको दो हिस्सों में कर के ले ली हूँ। अब मैं इसको थोड़ा हाथ में तेल लगा लूँगी और इसको बीच से ऐसे इसको काट के और छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूँगी। कटहल काटना बहुत थोड़ा सा दिक्कत होता है और ये थोड़ा सावधानी से काटना भी पड़ता है, हाथ में चाकू लग जाने से दिक्कत होगा। तो यहाँ पर देखिए इसको मैं ऐसे चार हिस्सों में करके रख ली हूँ और मैं सारा कटहल को नहीं बनाऊँगी, एक ही हिस्सा को बनाऊँगी और बाकी का जो कटहल है उसको रख दूँगी। तो यहाँ पर मैं अब कटहल को जो छिलका है इसको मैं ऐसे करके निकाल लूँगी। तो थोड़ा सा मोटा करके ही निकालना है। तो देखिए ऐसे करके मैं चाकू से इसको निकाल दूँगी। चाकू से काटने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसको हम लोग जो सब्जी काटने वाला दा होता है या पोस्तुल होता है उसी से हम लोग काटते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं चाकू से ऐसे काट के और इसका जो बीच का डंठल है उसको निकाल लूँगी ऐसे काट के। तो ऐसे यहाँ पर सारा कटहल को मैं छील के ले ली हूँ। अब ऐसे छोटे छोटे इसको लंबा लंबा काट लूँगी और छोटे छोटे पीसेस में मैं इसको कट कर लूँगी। कटहल का सब्जी खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और इसको अच्छा से बनाने से एकदम मीठा खाना लोग भूल जाएंगे, इतना टेस्टी होता है। यहाँ पर मैं ऐसे के कटहल को अच्छा से काट लूँगी और देखिए इसको ऐसे छोटे छोटे काट लेना है। सरसों का तेल लगा के हाथ में कटहल काटने से हाथ में लस्सा नहीं चिपकता है। तो देख सकते हैं हाथ मेरा एकदम क्लीन हो गया है। अब मैं इसमें दो आलू काट के ढाल दूँगी कटहल के सब्जी में। तो यहाँ पर आलू को ऐसे बड़ा बड़ा काट के अब मैं इसको दो बार अच्छा से धो लूँगी और एक कुकर ले लूँगी। कुकर में मैं कटहल और आलू को ढाल के इसको दो सीटी लगा लूँगी। तो यहाँ पर मैं कटहल को अब कुकर में ढाल दूँगी और साथ में एक गिलास पानी और आधा चम्मच जैसा नमक। अब मैं इसका ढक्कन लगा के और इसको दो सीटी लगा लूँगी। तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार कटहल का सब्जी बन के तैयार होगा। अब मैं गैस जला दूँगी और इसको गैस पर दो सीटी लगाने के लिए चढ़ा दूँगी। यहाँ पर मैं उसके लिए प्याज, लहसुन, अदरक और टमाटर लेके रखी हूँ। तो प्याज को पहले मैं छील लूँगी और लहसुन अदरक सभी चीज़ों को अच्छा से छील के और इसको धो के ले लूँगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर छह प्याज लेकर रखी हूँ, एक टमाटर, लहसुन। तो अब मैं दो प्याज को काट के मिक्सी जार में डाल दूँगी, साथ में अदरक दो तीन टुकड़ा और लहसुन और सूखी लाल मिर्च दो तीन। तो यहाँ पर अब सभी चीज़ को अच्छा से पीस लूँगी और यहाँ पर मैं प्याज को छील के रखी थी तो प्याज को मैं ऐसे छोटे छोटे काट लूँगी और टमाटर को भी मैं काट के रख लूँगी। तब तक यहाँ पर जो कटहल है वो पक रहा है। तो यहाँ पर कटहल दो सीटी लगाने के बाद मैं इसका ढक्कन खोल दे रही हूँ और देख सकते हैं कटहल आलू जो है वो अच्छा से पक चुका है। तब मैं इसको निकाल लूँगी और इसको निकाल के मैं एक थाली में रख दूँगी ठंडा होने के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं कटहल जो है एकदम बहुत ही बढ़िया पक गया है। तब मैं आलू का छिलका निकाल लूँगी और यहाँ पर कढ़ाई में मैं सरसों का तेल ले रही हूँ। कटहल का सब्जी सरसों का तेल में ही बहुत बढ़िया बनता है। तो पहले मैं आलू को अच्छा से भून लूँगी इसको। तो यहाँ पर आलू जो है अच्छा से भून चुका है तो आलू को भी मैं निकाल लूँगी। तो देख सकते हैं आलू बहुत ही अच्छा भून के तैयार हो गया है। अब मैं उसी तेल में जो कटहल को बॉईल करके रखी हूँ तो कटहल को भी डाल दूँगी और इसको अच्छा से 3-4 मिनट के लिए इसको मैं भून लूँगी। तो यहाँ पर कटहल जो है वो अच्छा से भून चुका है। तब देख सकते हैं तब मैं कटहल को थोड़ा समय के लिए भून के और इसको मैं अब निकाल लूँगी। यहाँ पर कटहल जो है अच्छा से भून चुका है। अब मैं इसको निकाल के अब उसी कढ़ाई में मैं दोबारा से सरसों का तेल ले लूँगी और इसमें मैं आधा चम्मच साबुत जीरा डाल दूँगी
और 2 तेज़पत्ता, जीरा जो है वो चटक गया है। अब मैं इसमें जो कटा हुआ प्याज है उसको डाल दूंगी और प्याज को अच्छा से मैं भून लूंगी। यहाँ पर प्याज भी अच्छा से भून चुका है। अब मैं इसमें जो कटा हुआ टमाटर है उसको डाल दूंगी। यहाँ पर देख सकते हैं प्याज एकदम अच्छा से भून चुका है, तो टमाटर को मैं डाल के थोड़ा सा भून लूंगी। और यहाँ पर जो मैं मसाला पीस कर रखी हूँ, प्याज, लहसुन, अदरक और मिर्च, तो उसको भी डाल दे रही हूँ। और इसको मैं तब तक भून लूँगी जब इसका जो कच्चापन है वो निकल जाएगा। तो यहाँ पर मसाला को अच्छा से मैं भून लूँगी। यहाँ पर देख सकते हैं मसाला जो है अच्छा से भून चुका है। अब मैं इसमें 1/2 चम्मच हल्दी का पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर और 1 चम्मच धनिया का पाउडर और साथ में मैं लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच जैसा दे रही हूँ। आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा दे सकते हैं। तब मैं मसाले को अच्छा से भूनूंगी। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दूंगी और मसाला भूनने में आसानी हो जाएगा। यहाँ पर अच्छा से मसाला को मैं एकदम उसको तेल छोड़ने तक मैं अच्छा से इसको भून लूंगी। यहाँ पर देख सकते हैं मसाला जो है वो अच्छा से भून चुका है। तो देखिए थोड़ा सा कढ़ाई में चिपक भी गया है, तो उसको मैं ऐसे अच्छे से चला चला के इसको निकालूंगी। उसके बाद मैं इसमें जो बॉईल किया हुआ और भून के जो कटहल रखी हूँ उसको डाल दूंगी और कटहल को भी अच्छा से मैं मसाले में मिला लूंगी। अभी बारिश का मौसम है, ऐसे कटहल का सब्जी खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और कटहल का सब्जी चावल या रोटी के साथ भी खाने में अच्छा लगता है। यहाँ पर मैं कटहल को अच्छा से मसाले में मिला दूंगी। अब मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक मिला दूंगी और नमक मिलाने के बाद दोबारा से मैं इसको अच्छा से मिला लूंगी। इसमें चाहे तो आप और ज़्यादा मसाला या प्याज लहसुन ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा कम ही इसमें दे रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें 1 गिलास जैसा पानी डाल दूंगी और अब मैं इसमें जो बॉईल करके आलू को भून के रखी हूँ उसको मैं ऐसे हाथ से मैश करके डाल दूंगी। तो ऐसे ग्रेवी जो है थोड़ा सा लटपटा हो जाता है और खाने में भी टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर आलू को मैं अच्छा से मिला लूँगी और इसमें मैं और 1/2 कप जैसा पानी डालूँगी, ज़्यादा नहीं। और इसको मैं ढक के इसको कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी। यहाँ पर 5 मिनट के बाद मैं इसका ढक्कन हटा के चेक कर रही हूँ। तो देखिए ये कटहल जो है वो अच्छा से बन गया है। देखिए नीचे एकदम अच्छा से इसका पानी जो है वो सूख गया है। तो अब मैं इसमें गरम मसाला डाल दूंगी, धनिया का पत्ता भी दे सकते हैं। अब मैं इसको अच्छा से मिला लूंगी और इसको 1-2 मिनट के लिए पका लूंगी। यहाँ पर बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार सब्जी बनके तैयार हो गया है। अब इसको पूड़ी, रोटी, पराठा, चावल जिसके साथ खाना चाहते हैं खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार कटहल का सब्जी बनके तैयार हुआ है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा तड़का लगा दूंगी। तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच जैसा घी ले रही हूँ, उसमें साबुत जीरा डाल दूंगी और कटहल का सब्जी मैं ऐसे तड़का लगा दूंगी। ऐसे घी का तड़का देने से अच्छा ही लगता है खाने में, तो मैं ऐसे इसको थोड़ा सा तड़का लगा दूंगी ऊपर से। आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कटहल का सब्जी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हो गया। तो ऐसे बनाइए, खाइए, कमेंट करिए। अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा रेसिपी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।